Hi friends, today we are going to do third supplementary, My Most Unforgettable Guru, Standard 10th, Gujarat Board. Teaching world में एक teacher का बहुत ज़्यादा importance होता है. शिक्षक अपने ज्ञान से एक ऐसी अखंड ज्योत जलाता है जो देश और समाज के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है. एक शिक्षक अपने students की यादों में हमेशा के लिए बस जाता है. यहाँ ये लेसन में चार अलग अलग स्टोरीज के थ्रू हमें टीचर्स का इम्पोर्टेंस एंड उनका स्टूडेंट्स के लाइफ सवारने में योगदान के बारे में बताया है. आज हम यहाँ फर्स्ट स्टोरी करेंगे द गाइडिंग लाइट, जिसे डॉक्टर पद्मजा ने लिखी है. वे कहती है कि एज स्टैंडर्ड फोर्थ स्टूडेंट्स इन Patna's Notre Dame Academy, we were assigned a composition, the person I admire the most. My classmates chose Gandhiji or Pandit Nehru. How can I write about them when I have never seen them? I wondered. I shared my dilemma with Sister Mary Lauret, the English teacher. मैं जब पटना के Notre Dame Academy में fourth standard की student थी, तब हमें एक composition, एक निबंध लिखने को दिया गया था. एंड द टॉपिक वॉज द पर्सन आई एडमायर द मोस्ट. एडमायर यानी प्रशंसा. मेरे सब क्लासमेट्स ने अलग अलग टॉपिक चुने, जैसे कि गांधी जी या पंडित नेहरू. पर मैं ऐसा वंडर करने लगी कि मैं सोचने लगी दैट इज कि मैं उनके बारे में कैसे लिख सकती हूँ जब मैंने उन्हें देखा ही नहीं, जब मैं उन्हें पहचानती ही नहीं. मैंने ये मेरा कन्फ्यूजन सिस्टर मैरी लॉरेट के साथ में शेयर किया, जो हमारी इंग्लिश टीचर भी थी. सिस्टर मैरी यानी क्रिश्चियन स्कूल्स में वी कॉल देम सिस्टर. हुम डू यू वॉन्ट टू राइट अबाउट हनी, शी क्वेरीड. मीरा दीदी, आई सेड. माई एल्डर सिस्टर मीरा वॉज एन एक्सिलेंट स्टूडेंट. वाई नॉट, सिस्टर मैरी Lauret replied encouragingly. I earned a very good for my composition. Do you think Sister Mary Lauret expects Padma to be equally clever like her sister? तो उन्होंने मुझे पूछा, तुम किसके बारे में लिखना चाहती हो डियर? तो मैंने कहा, मैं मीरा दीदी के बारे में लिखना चाहती हूँ, मेरी बड़ी सिस्टर. एंड शी इज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट है वो, एंड मुझे मेरे कंपोजिशन के लिए वेरी गुड भी मिला. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिस्टर मैरी लॉरेट ऐसा एक्सपेक्ट करती होगी कि पद्मा भी उसके सिस्टर की जितनी ही क्लेवर होगी? एन अमेरिकन नन हु हैड बीन इन इंडिया इयर्स, शी वॉज टॉल विद ब्यूटिफुल लाइट आईज एंड ऑलवेज इम्पिकेबल इन हर स्पॉटलेस व्हाइट हैबिट. देर वॉज अ क्रॉस अराउंड हर नेक एंड रोजरी बीड्स क्लिक्ड सॉफ्टली एज शी वॉक्ड बाय. शी टॉट इन यूनिक वेज. For maths class, she would pretend she was a shopkeeper and the students her customer. We would pay for goodies with maths sticks and pebbles, having fun as we learnt. अब वे सिस्टर मैरी के बारे में बताते हैं कि वे एक अमेरिकन नन थी जो काफी साल से इंडिया में रहती थी. वो काफी लंबी थी एंड उनकी आंखें काफी खूबसूरत एंड हल्के रंग की थी. एंड वे बहुत ही निर्दोष थी. अपने स्पॉटलेस व्हाइट हैबिट में, यानी बहुत ही साफ कैरेक्टर था उनका. उनके गले में क्रॉस था एंड रोजरी बीड्स की माला थी. रोजरी बीड्स यानी हम जो मंत्र जाप करने के लिए माला यूज करते हैं, वो जैसे रुद्राक्ष की माला. उनके पढ़ाने के तरीके भी काफी अलग थे. जैसे मैथ्स क्लास के लिए वो ऐसा प्रिटेंड करेगी कि वो एक शॉपकीपर है एंड सब स्टूडेंट्स है वो उनके कस्टमर है. एंड हम लोग गुडीज यानी केक्स एंड कुकीज खरीदने उनके पास आते हैं एंड गुडीज के बदले मैथ स्टिक्स एंड पेबल्स देते हैं. हमें बड़ा मजा आता था इस तरह सीखने में. नाउ सिक्स स्टैंडर्ड में उन्होंने हमें हिंदी सॉन्ग्स सिखाने की कोशिश की, बट हमें उनके एक्सेंट पे बड़ी हंसी आती थी. उन्हें थोड़ा ऑकवर्ड फील होता था, पर फिर भी वो हमें डांटती नहीं थी. वो बस क्लास में से चली जाती थी एंड थोड़ी देर में वापस आकर हैप्पीली हमें इंग्लिश ललाबाई सिखाती थी. ललाबाई यानी लोरी.
1970 में जब एक एंटी इंग्लिश फैनेटिक ने उनके ऊपर डामर डाला अंग्रेजी हटाओ आंदोलन के समय, तो वो बहुत ही शांत रही एंड कहा कि चिंता मत करो, मैं जाकर चेंज करके आती हूं। गिगल्ड यानी हंसना, एक्सेंट यानी उच्चारण, एम्बरेस्ड यानी शर्मिंदा, स्कोल्ड यानी डांटना, फेनेटिक यानी कट्टरपंथी जनुनी, टार यानी डामर, एजिटेशन यानी आंदोलन, सिरीन यानी शांत। वे एक स्ट्रिक्ट परफेक्शनिस्ट थी एंड उन्हें लेट होना या गंदा बिल्कुल पसंद नहीं था। अगर उन्होंने हमारे सॉक्स में मोजे में छेद देख लिया तो हमें सुई धागा लाके सिलने के लिए कहेगी एंड हमें ये भी कहेगी कि सब कुछ अपनी मदर के लिए मत छोड़ो, यानी छोटा मोटा काम तो अपने आप ही कर लिया करो। उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार मैंने कुछ शैतानी की थी, तब वे हमारी स्कूल की प्रिंसिपल थी। मेरे हिस्ट्री टीचर ने मुझे पनिश किया एंड मुझे सिस्टर की ऑफिस के बाहर खड़ा कर दिया एंड मेरी मीरा दीदी से कंपेयर किया गया कि वो कहाँ एंड तुम कहाँ। तो उतने में सिस्टर लॉरेट वहां पे आई एंड उन्होंने मेरे हिस्ट्री टीचर से कहा कि मीरा मीरा है एंड पद्मा पद्मा है, यानी दोनों को कंपेयर मत करो। स्टिकलर यानी तरफदार होना, डिटेस्टेड यानी डिसलाइक, टार्डिनेस यानी धीमापन या आलस, अनटाइडिनेस यानी गंदा, मिस्चीफ यानी शैतानी एंड रिप्रिमेंडिंग यानी पनिशिंग। ये तो हुई सिक्स स्टैंडर्ड की बात। नाउ मैं जब नाइन्थ में थी तब हमारे स्पेशल क्राफ्ट क्लासेस शुरू होने वाले थे मटेरियल के साथ एंड मटेरियल यूएस से आने वाला था एंड ये क्राफ्ट क्लासेस की फी थी वो काफी ज्यादा थी एंड हमारे बजट के बाहर थी। तो मैं सिस्टर के पास गई। चिंता मत करो, मुझे उन्होंने बड़े शांति से जवाब दिया, मेरे बच्चे तुम्हारी फी माफ की जाती है। सूदिंगली यानी शांति से, एग्जाम्ड यानी फ्री, हेफ्टी यानी हैवी। सिस्टर मैरी के साथ मैं काफी सालों तक कॉन्टेक्ट में रही, इवन शादी करके शिफ्ट होने के बाद भी। बाद में वे वापस यूएस चली गई एंड हमारा कॉन्टेक्ट छूट गया। नाउ अब मैं प्रिंसिपल हूँ एंड मैं ऐसी कोशिश करती हूँ कि मैं सिस्टर लॉरेट को कॉपी करूँ एंड उन्होंने जो रास्ता दिखाया है उसे जस्टिस कर सकूँ। एमुलेट यानी कॉपी करना, लीगसी यानी विरासत। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ थर्ड सप्लीमेंट्री। थैंक यू। हाई फ्रेंड्स।